बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शनिवार को अपने इंदौर दौरे में एक बार फिर इंदौर की सियासत माहौल को गर्मा दिया है। वीडी के इंदौर दौरे ने भाजपा के कई नेताओं को महापौर के सपने दिखा दिए हैं। वीडी के ऐलान के बाद अब फिर से सियासी गलियारों में महापौर पद के लिए रमेश मेंदोला का नाम दौड़ चढ़ा है। वीडी शर्मा ने शनिवार को ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा उसी को टिकट देगी जो चुनाव जीत सकता है। उम्र का कोई बंधन नहीं है, मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक को भी महापौर का टिकट मिल सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस की निगम चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने विधायक संजय शुक्ला का नाम इंदौर से कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ही सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी के महापौर उम्मीदवार पर टिकी हुई थी। संजय शुक्ला के नाम का ऐलान होने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का उम्मीदवार भी ब्राह्मण शेरा हो सकता है और मौजूदा परिदृश्य में रमेश मेंदोला से अच्छा विकल्प बीजेपी के पास नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी रमेश मेंदोला पर अपना विश्वास जताती है। वो जो तय करेंगे उसके आधार पर हम राजनीतिक दल होने के नाते से अपना काम हम प्रारंभ करते हैं। और आज के समय की नगर निकाय के चुनाव हैं तो नगर निकाय के चुनाव नॉर्म्स के अनुसार जब एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए। अब उसके बारे में नगर निगम इस निकाय के चुनाव के बारे में हमारे इलेक्शन कमीशन को क्या लगता है वो इसके बारे में, जैसे कोविड का संकट था पिछले उसमें तो कोविड के कारण से उन्होंने कहा कि अभी नहीं कराए जा सकते। अब आज की परिस्थिति में उनका भी अपना ऑब्जर्वेशन होगा, वो भी सोच रहे होंगे, सरकार से वो डायलॉग बुजुर्ग का जहां करनी चाहिए वो करेंगे। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। जब भी चुनाव आयोग आदेश करेगा तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयार और तत्पर है। हम मैदान में उतर जाएंगे, हम तो उतर गए मैदान में। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं केवल एक ही बात कहूंगा कम शब्दों में कि जीतने वाला जो कार्यकर्ता होगा तो कोई भी हो सकता है।